हेलो एवरीवन, कैसे हैं बेटा आप सब? आई होप यू आर ऑलवेज वेल। तो बेटा आपकी वर्कशीट आ गई है शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की। ये वर्कशीट नंबर 6 है बेटा। आज से आपकी जो है हर क्लासेस की दो दो वर्कशीट आएंगी। तो आज आपकी 6 क्लास की दो वर्कशीट आई है बेटा। एक आपकी इंग्लिश की वर्कशीट है और ये आपकी SST की वर्कशीट है। तो इंग्लिश की वर्कशीट जो है बेटा मैंने अपलोड कर दी है और आप जो है चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और ये है बेटा आपकी जो है SST सामाजिक एवं राजनीतिक विज्ञान की वर्कशीट। तो चलिए बेटा, ये क्लास 6 की वर्कशीट है और यहाँ पर विद्यार्थी को अपना नाम लिखना है और यहाँ पर अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। ये वर्कशीट जो है बेटा 12 अक्टूबर 2020 की वर्कशीट है। तो चलिए बेटा पढ़ते हैं, देखते हैं वर्कशीट में दिया क्या गया है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वर्कशीट नोटिफिकेशन जो है टाइम से मिलती रहे। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं। हमारे देश में विभिन्न जाति, धर्म, नस्ल आदि के लोग मिलकर साथ मिलकर रहते हैं। उनका खान पान, भाषा एवं रहन सहन अलग है, परंतु हम सब साथ मिलकर रहते हैं। यह विविधता कहलाती है। तो विविधता क्या होती है बेटा? देखिए, हमारे देश में विभिन्न धर्मों, विभिन्न जातियों, विभिन्न नस्लों के लोग रहते हैं और उनका जो है खान पान, रहन सहन, उनका व्यवहार सब कुछ अलग है, लेकिन इतना सब होते हुए भी सब मिलजुल कर साथ में रहते हैं। तो ये क्या है बेटा? यह एक विविधता कहलाती है। आगे देखते हैं बेटा, जब लोग पूर्वाग्रहों या रूढ़िवत धारणाओं, रूढ़िवत धारणाएं क्या होती हैं बेटा? सुनी सुनाई बातें होती हैं, के आधार पर व्यवहार करते हैं, तो वह भेदभाव कहलाता है। जैसे कि लोगों ने, जैसे कि मान लो कोई किसी को जानता नहीं है और उसके बारे में सुन लिया किसी भी अन्य व्यक्ति से, तो वो क्या हो गई बेटा? सुनी सुनाई बात होगी कि उसने किसी और से सुनी और आपने उससे सुनी, लेकिन आप खुद उस आदमी से मिले नहीं हो, तो वो क्या है बेटा? वो उसको क्या कहलाता है? इससे क्या पैदा होता है? इससे भेदभाव पैदा होता है। तो हमें सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर जो है पूर्वाग्रह रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर जो व्यवहार करते हैं हम व्यक्तियों के साथ, किसी के भी साथ, तो क्या कहलाता है? भेदभाव कहलाता है। आगे है बेटा, प्रतिदिन हम अपने आसपास लड़के और लड़कियों में होने वाले भेदभाव को महसूस करते हैं। समाज में लड़के और लड़कियों की को में कई तरह का भेदभाव किया जाता है। हमारे समाज में इस प्रकार की बातें आमतौर पर सुनी जा सकती हैं कि लड़के बहादुर होते हैं या लड़कियों को घर का काम करना चाहिए, परंतु यह सही नहीं है। हमें केवल किसी के लड़के या लड़की होने के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए, समाज में समानता को बढ़ावा देना चाहिए। तो बेटा देखिए, ये चीजें जो प्रचलित हैं ये क्या है कि कभी से चली आ रही है कि लोग जो पहले पुराने जो विचारों के आदमी थे वो जो है लड़के और लड़कियों में अंतर समझते थे, लेकिन जो आज का समय आ गया है माँ बाप के लिए, माता पिता के लिए लड़का और लड़की एक समान होते हैं। और बेटा हमें जो है लड़के और लड़की में कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि आजकल लड़के को भी उतना ही पढ़ाया जाता है और लड़की को भी। बहुत सी चीजों में ऐसे है कि जो है लड़कियां लड़कों से आगे हैं और अपने माता पिता का नाम रोशन कर रही हैं। तो बेटा समाज में जो है हमें इस समानता को बढ़ावा देना होगा कि लड़का लड़की एक समान है। आगे है बेटा, निम्न प्रश्नों को हल करके अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो देखिए कौन से प्रश्न है। आमतौर पर मुक्केबाजी को पुरुषों का खेल माना जाता है, बिल्कुल माना जाता है। वह खाना पकाना महिलाओं का कार्य माना जाता है, परंतु संजीव कपूर ने खाना पकाने को व मैरी कॉम व सरिता देवी ने मुक्केबाजी को नई ऊंचाइयां प्रदान की। ये कौन थे बेटा? ये ऐसी महान हस्ती रही हैं जिन्होंने अपने जीवन में खूब परिश्रम, खूब स्ट्रगल करके जो है एक मुकाम हासिल किया है और जो है अपने देश का नाम रोशन किया है। और उन लोगों के मन से ये सोच मिटाई है कि जो है लड़कियां ये काम नहीं कर सकती या लड़के ये काम नहीं कर सकते। इसी प्रकार आप समाज में उपस्थित ऐसे लोगों की सूची बनाइए जिन्होंने ऐसे लैंगिक भेदभाव को तोड़ा है। तो हमें बेटा यहाँ पर कुछ
ऐसे आदमियों के, ऐसे व्यक्तियों के या स्त्रियों के नाम लिखने हैं जिन्होंने जो है स्त्री होते हुए भी ये कर दिखाया कि ये काम केवल मर्द ही नहीं कर सकते, यानी कि आदमी ही नहीं कर सकते, और जो है आदमियों ने वो काम कर दिखाए कि जो है ये काम केवल स्त्रियां कर सकती हैं, वो लोग वो उन आदमियों ने कर दिखाए, लड़कों ने कर दिखाए। तो कौन से काम बेटा, ऐसे कौन कौन से आदमी हैं? तो सबसे पहले जो है हम लिखेंगे नाम, सबसे पहले है रोहित बाल, पहले पुरुष डिजाइनर, पहले पुरुष डिजाइनर रहे हैं वो। क्योंकि देखिए जैसे बेटा डिजाइनर का काम किसका होता है, लड़कियों का, लेकिन रोहित बाल पहले पुरुष डिजाइनर हुए हैं हमारे देश में। इसके बाद है बेटा सुरेखा यादव, पहली महिला इंजन ड्राइवर हुई है, क्योंकि ड्राइवरी जो है हमारे आम जो है पब्लिक में, हमारे आम समाज में ये कहा जाता है कि जो है ड्राइविंग कौन कर सकते हैं, लड़के कर सकते हैं, लेकिन सुरेखा यादव पहली महिला इंजन ड्राइवर थी। इसके बाद बेटा बबीता फोगाट, कुश्ती जैसे लड़कों का खेल होता है, लेकिन जो है बबीता फोगाट ने जो है कुश्ती में जीत कर और अपने माता पिता का ही नाम नहीं पूरे विश्व यानी कि भारत देश का भी नाम रोशन किया। इसके बाद है बेटा दुर्गा बनर्जी, पहली हवाई जहाज पायलट बनी, और पंडित बिरजू महाराज कथक, यानी कि जो है नाचना गाना लड़कियों का काम बताते हैं, लेकिन जो है पंडित बिरजू महाराज ने कथक में महारत हासिल की। इसके बाद है बेटा आगे है विविधता हमारे जीवन को किस प्रकार समृद्ध करती है, अपने जीवन के किसी एक उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। तो विविधता जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा था बेटा, हमारे देश में विभिन्न धर्मों जातियों के लोग होते हुए भी, वहाँ का रहन सहन खान पान अलग होते हुए भी सब लोग मिलजुल कर रहते हैं, तो वो क्या हो गई विविधता में एकता। लेकिन विविधता क्या है कि हमारे देश में जो है विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, विभिन्न जातियों के लोग रहते हैं, नस्लों के लोग रहते हैं, उनका खान पान अलग है, तो ये क्या है बेटा विविधता है। तो चलिए बेटा हम लिखते हैं इसका आंसर, विविधता हमारे जीवन को समृद्ध बनाती है, क्योंकि हमारे देश में विभिन्न धर्मों नस्लों जातियों के लोग मिलजुल कर रहते हैं और उनका खान पान रहन सहन भी अलग है। मेरे साथ मेरी एक सहेली पढ़ती है, वह स्वभाव से बहुत अच्छी है, लेकिन मेरा धर्म और उसका धर्म अलग अलग है, फिर भी हम एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं और एक दूसरे के त्योहारों को साथ मिलकर मनाते हैं। तो बेटा ये थी आपकी वर्कशीट, तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी। और मैं आपको फिर से बताती हूँ कि आज से आपकी जो है जनरल वर्कशीट जो 6 to 8 क्लास की आती थी वो अब नहीं आएगी, आपकी 6 क्लास की 2 वर्कशीट आई है, एक तो आपकी SST की वर्कशीट है, दूसरी आपकी इंग्लिश सब्जेक्ट की वर्कशीट है, जो कि मैंने चैनल पर डाल दी है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। आई होप बेटा आपको वर्कशीट समझ में आ गई होगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।